हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे प्रज्ञान रोवर जो कि चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा भेजा गया है, ये चांद पे क्या क्या कार्य करेगा। ये जो देख रहे हैं ये है विक्रम लैंडर जो कि प्रज्ञान रोवर का ग्राउंड स्टेशन है। प्रज्ञान रोवर चांद पे जो भी चीज़ों को कैप्चर करेगा वो पहले अपना ग्राउंड स्टेशन विक्रम लैंडर को भेजेगा। विक्रम लैंडर उस डाटा को प्रोसेस करके पृथ्वी की तरफ डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। उस डाटा को इसरो कमांड सेंटर के द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, यह है प्रज्ञान रोवर जिसमें मल्टीपल सेंसर कनेक्ट किए गए हैं। रोवर में सोलर पैनल का यूज किया गया है जिससे रोवर का बैटरी चार्ज हो सके। ये रोवर -200 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करने के लिए बनाया गया है। साथ ही इसमें नेवकैम लगा हुआ है, मतलब नेविगेशन कैमरा। इसमें दो लगे हुए हैं जो कि चांद के सरफेस को स्कैन करेगा, चांद के इम्पोर्टेंट डाटा साथ ही 3D इमेज को कमांड सेंटर पे भेज देगा, जिससे हमें चांद के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होगा। प्रज्ञान रोवर को रेडिएशन प्रूफ बनाया गया है। रोवर रेडिएशन प्रूफ होने से सूर्य से आने वाली अनेकों रेडिएशन से ये क्षति नहीं होगा और अपना कार्य अच्छे तरह से करते रहेगा। साथ ही इसमें दो एंटीना लगाए गए हैं जिससे डाटा को इजिली लैंडर तक और लैंडर कमांड सेंटर तक भेज सके। साथ ही कमांड सेंटर से आने वाले सिग्नल को ये एंटीना के द्वारा रिसीव करके कमांड को फॉलो करेगा। ये रोवर सेमी ऑटोमेटिक बनाया गया है जो कमांड सेंटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें मल्टीपल कैमरा का यूज किया गया है जिससे कमांड सेंटर ये डिसीजन ले सके इमेज को देख के कि इसे किस डायरेक्शन में मूव करना है। प्रज्ञान रोवर को चांद के साउथ पोल पर भेजा गया है जिसे कहा जाता है कि यह अभी तक अनटच है, मतलब कोई कंट्री अभी तक यहाँ पे नहीं जा पाया है। इंडिया फर्स्ट ऐसे कंट्री है जो कि साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर गया है। चंद्रयान 3 मिशन 615 करोड़ की लागत से बना है। ये मिशन का मुख्य कार्य था साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करना, वहाँ के एलिमेंट्स पे साइंटिफिक रिसर्च करना, गोल्ड प्लेटिनम जैसे धातु की खोज करना, साथ ही चांद के सरफेस पे भूकंप कैसे आता है और कब आता है इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, वहाँ के थर्मल प्रॉपर्टी के बारे में रिसर्च करना। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।